कहा जाता है कि एक पिता की द्वारा ही पुत्र और पुत्री का कल्याण होता है। एक पिता के द्वारा किया गया कार्य पुत्र पुत्री के लिए रामबाण साबित होता है। लेकिन वही पुत्र पुत्री बड़े होने पर जब अपने पिता का ख्याल नहीं रखता है और पारिवारिक उलझन के कारण पिता माता को वृद्ध आश्रम तक पहुँचाया जाता है। यह बातें आज द्वितीय धर्म के मित्र जोग अधिवेशन में आचार्य संत गोविंद भगवान ने कही है। पुत्र और पुत्री बड़े होने पर और शादी होने के बाद माता पिता को बोझ समझते हुए उन्हें जब वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं तब उनकी तकलीफों को महसूस नहीं कर पाते। पारिवारिक सद्भावना के अभाव से इस तरह की समस्या परिवार में दिखाई देती है। PLGT संस्था की तरफ से आयोजित आज के अधिवेशन में इसी बात में आलोचना की गई है। इस अधिवेशन में साधु संत समाज सेवी और पत्रकार आदि अपना योगदान देकर इस अधिवेशन को सफल किया। PLGT के इस अधिवेशन में हेमंत कुमार महापात्र, गोविंद भगवान, तन्मय महाकोर, संतोष राउत, पीत भाषा पंडा, सौदामिनी प्रधान, नीलिमा पाल, हरिद्वार से आए हुए ओमकार सरस्वती, स्वामी राजेश मिश्रा आदि उपस्थित हुए और समाज में कैसे आपसी श्रद्धा स्नेह पूर्ण और मित्र भाव की कायम हो इस बारे में बात की गई। संकल्प गोटे शरण ना सप्त शरण तापर ये जो गण पिता माता अच्छे समस्ते जे जार बापा माँ को मन पकेवा गचनतार भी सिम्बल अच्छी पिता माता गचनतार सिम्बल भी अच्छी तेनाली निजर बापा माँ को आज दिन में जहाँ अच्छा बर्तमान में जहाँ भी स्मरण करवा मन मन क्षीर दबा समस्ते गोटे समूह कार्यक्रम तो मुझे बोलिए आप समस्ते बोलिया संकल्पटा पितामाता गुरुजने सदा रखिबी ध्यान मानव पूजा देव पूजा तुले करिबी ज्ञान सबुज सुंदर सुस्थ पृथ्वी निर्माण रे सदा व्रति रहिबी मरते भूलिबी मु आउ मोर पंचकु मणिबी परमेश्वर दश देश को केबे न भूलिबी बाहे न भ्रमि घटे ब्रह्म चिन्हिबी निजे होइन संस्कार अनेक राइबी एबे जाई द्वितीय धर्मी बुलाइबी जय संस्कार पिता माता की जय पिता माता की जय तेणु आम बर्तमान फूल दबा ता पूर्व ये आम सब कथ ओलटा जे माधवर पूजा जो कहते मानवर सेवा माधवर सेवा आम कहूँ जो मनीष ही ईश्वर समस्ते कहते बहुत लोग भी आम भी प्राक्ट करुचे तेनालीराम को प्रणाम करुचे बाप माँ को भी कर परिचय होची अध्यापक गोविंद भगवान जो द्वितीय धर्म कार्यक्रम सारा भारत वर्ष रे आरंभ करा हेछि आमे किछि जन बंधु मिसि ए कार्यक्रम टाकु द्वितीय धर्म कार्यक्रम सेटाकु आरंभ करिछु मो प्रोफेशन रे जने अध्यापक किंतु एइजा आमर मिशन ए कार्यक्रम टाकु आमे गोटे विचार गोटे नूतन विचार गोटे मुक्त चिंतन ये कार्यक्रमटा को आम सारा भारतवर्ष आरंभ कर पिता माता आ गछलता एम मर्तर जीवंत देवता यही कथाटा एवं मित्र जोड़ा भाग्य गढ़ा पिता माता मध्यम ईश्वरत्व उपलब्धि बापा माँ मध्यम दे ईश्वर को भेटी हेब से जीवंत देवता यही प्रकार एक विचार सारा भारतवर्ष बर्तमान आरंभ करिछे कार्यक्रम कौन उद्देश्य रही है उद्देश्य हूँ एक संस्कार युक्त समाज तैयारी करिबा एवं सुस्थ समाज गुटे तैयारी करिबा मनीष मनीष को भल पाइब गोटे जो आम संविधान जो कथा कहूँ आम से मैं से सम्बन्धी काम करुचे इक्वालिटी लिबर्टी और फ्राटर्निटी मित्रतार गोटे भाईचारा समाज तैयारी हेले आम कहे सुस्थता मित्रता समता ये तीन गोविंद कथा सुस्थता आसिले मित्रता आसिले ये भारत बर्षरे समता आसीबो तेणु यही प्रकार एक सुस्थ समाज तैयारी करने एक वैप्लविक कार्यक्रम आम यहाँ आरंभ कर हेमंत कुमार महापात्र आडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट मित्रशक्ति द्वितीय धर्म जो कार्यक्रम चली से मित्रशक्तिर राज्य सभापति ये कार्यक्रम आरंभ कर उद्देश्य हूँ परिवार धर्म द्वितीय धर्म कहले गोटे परिवार धर्म पारिवारिक धर्म
ପାରିବାରିକ ଧର୍ମ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପରିବାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏକ ନାଗରିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାଗରିକଟିଏ ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ସେ ନାଗରିକଟିଏ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ନାଗରିକଟିଏ ଆସୁଛି, ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ, ଏବଂ ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ତା'ର ପିତା ଆଉ ତା'ର ମାତା। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ସୁନାଗରିକ କେମିତି ହେବ? ସମାଜରେ ସେ ଏକ ନାଗରିକ ହେଲେ ସିନା ନାଗରିକର ଭୂମିକା ସେ ଡେବି ହେବ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟିଏ, ଭଲ ପ୍ରଶାସକଟିଏ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ କେମିତି ପରିବାରରୁ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ଏବଂ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ଥିଲେ ସେ ସମାଜ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଏବଂ ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାମ କରୁଛି। ଇଭନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କେ ଲିଏ କଟକ ସେ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାସ କି ରିପୋର୍ଟ।